गर्मियां शुरू हो चुकी हैं और गर्मियों के लिए सभी को चाहिए कुछ ठंडा ठंडा शरबत, कोई मोहितो, कुछ भी समर ड्रिंक्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए तीन तरीके के घर पर बनने वाले बहुत ही आसान से ड्रिंक जो अक्सर हम बाजार में जाकर पीते हैं। तो बहुत ही आसान है इनको बनाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग रिपीट। फ्रेंड्स, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे ये हाजमोला टॉफी आती है ना कैंडी, उसी से एक ड्रिंक बनाएंगे। तो ये पेड प्रमोशन नहीं है, बस हाजमोला लें, कोई भी टॉफी आप ले सकते हैं। उसको मैंने देखिए छीन लिया है और छिलके को निकालने के बाद हमने ये क्रश कर लेंगे। पहले जो अदरक कूटने वाला है ना उसी में हम थोड़ा सा पहले क्रश करेंगे। उसके बाद क्रश करने के बाद ना हम ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। अगर हम सादा इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे तो उसके खराब होने का भी डर रहता है। तो पाउडर बनाने के बाद देखिए ग्लास में लेमन जूस से हल्का सा कूट कर लेंगे और अब हम इस पे कैंडी पाउडर में इसको डिप कर लेंगे। तो ये तो हमारी हो गई ग्लास की गार्निशिंग। अब हमने जो ये पाउडर बनाया है इसी से आज हम ड्रिंक बनाने वाले हैं। ग्लास में डालेंगे एक चम्मच कैंडी पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस डालें करीब एक चम्मच और एक पुदीना पत्ती डालेंगे ग्लास में। और अब हम डालेंगे सोडा वाटर। तो आप इसमें स्प्राइट डाल सकते हैं या कुछ भी आप इसमें ले सकते हैं। तो देखिए अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से आइस क्यूब्स। तो बस हमारा कैंडी ड्रिंक बनके तैयार हो गया है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप किसी भी टॉफी से आप इसे बना सकते हैं। मैंने यह हाजमोला कैंडी लिया और कितना बढ़िया है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। जब भी हम गर्मी में बाहर से आते हैं ना तो बस इस तरीके का कुछ ठंडा ठंडा टेस्टी सा मिल जाए ना, अब घर पे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब हम तैयार करेंगे अपना दूसरा ड्रिंक। तो आज हम बनाने वाले हैं ये अनार का मोहितो। तो इसे भी हम बच्चों को दें, बहुत ही एनर्जी से भरपूर होता है, जूस बनाने में बहुत टाइम भी लगता है। अगर इस तरह से हम बनाकर पीते हैं तो बहुत ही टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और झटपट से बन भी जाता है। तो चलिए तैयार करते हैं इस अनार के मोइतो को। इसके लिए पहले हमने एक ग्लास लिया है, जो हैवी लें थोड़ा सा ग्लास, क्योंकि हम इसे सभी चीजों को क्रश करेंगे। तो मैंने कुछ अनार के दाने लिए हैं, कुछ नींबू के पीसेस डाले हैं, थोड़ी सी पुदीना पत्ती और अब हम जो ये अदरक कूटने वाला है ना उसी से इसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। इससे ना इसका जूस निकल जाएगा सभी चीजों का, पुदीने नींबू और अनार सभी का मिलने के बाद एक जूस देके तैयार हो चुका है। इस क्रश को हम एक दूसरे ग्लास में डालेंगे, लेमन डालेंगे थोड़ा सा, थोड़ी सी पुदीने के पत्ते डालेंगे और अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच पाउडर शुगर, थोड़ा सा काला नमक और अब हम कुछ आइस क्यूब्स इसमें डाल रहे हैं। और अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर सोडा वाटर, आप इसे प्लेन वाटर भी डाल सकते हैं। थोड़ा इससे इसका टेस्ट बिल्कुल वही आता है जो हम स्ट्रीट पे जाकर पीते हैं ना मार्केट में, तो बिल्कुल वही टेस्ट इसमें आएगा। तो देखिए हमारा ये मोइतो भी बनकर तैयार हो गया है। तो बच्चों को दें, बहुत ही एनर्जी वाला है और एक बहुत ही टेस्टी सा ड्रिंक बन जाता है। तो गर्मियों में ऐसा कुछ होना तो बहुत मजा आ जाता है पीने में भी, और ठंडा ठंडा जिससे दिमाग भी शांत होता है, मन भी शांत होता है। तो चलिए ये हमारा पॉमीग्रेनेट ड्रिंक भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम दूसरा ड्रिंक यहाँ पर तैयार करने वाले हैं, वो है कच्चे आम का शरबत। घर पर बिना पकाए हम ये तीनों ड्रिंक बना रहे हैं मिनटों में। तो कच्चा आम आजकल बहुत अच्छा आता है मार्केट में और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए झटपट से तैयार करते हैं इस कच्चे आम के शरबत। इसके लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे और कच्चे आम को हमने एक पीसेस में काट लिया है, धो लिया है और ये हम जार के अंदर डाल देंगे। यहाँ मैं एक ग्लास ही बना रही हूँ तो मैंने छोटा आम ही यूज किया है। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं पाउडर शुगर 2 बड़े चम्मच, क्योंकि बहुत ही खट्टा है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक इसमें डालेंगे और अब हम डालें थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ा सा डालेंगे इसमें चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसे छान लेंगे। तो मैं एक ग्लास बना रही हूँ तो छोटी छलनी में ही छान रही हूँ, काफी रहेगा। आप ज्यादा बना रहे हो तो बड़े बोल में बड़ी छलनी में ले लें।
और देखिए एक ग्लास में हम डालेंगे कुछ आइस क्यूब्स और इसके ऊपर हम डालेंगे कुछ पुदीने के पत्ते। पुदीने का ना गर्मियों में बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी रहता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है, टेस्ट भी आता है। अब थोड़ा सा डालेंगे इसमें भुने जीरे का पाउडर, थोड़ा सा नमक और डाल लेते हैं इसमें सफेद नमक, और थोड़ा सा डालेंगे पानी। तो बस हमारा ये कच्चे आम का शरबत भी बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी है, खट्टा मीठा टेस्ट है इसके अंदर और सभी को पसंद होता है कच्चे आम का शरबत। तो आज के ये तीनों ड्रिंक्स जो बहुत आसान है बनानी, झटपट से बन जाती हैं और बिल्कुल अलग तरीके से। तो फ्रेंड्स आप ये तीनों जरूर ट्राई कीजिएगा गर्मी में और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको ये तीनों रेसिपीज कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी आप ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।